के जंतर मंतर पर कुश्ती संघ के खिलाफ पुरुष और महिला पहलवानों का प्रदर्शन। दिनेश फोगाट ने संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर लगाया यौन शोषण के आरोप। संघ के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल ओलंपियन बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक का खिलाड़ियों और राज्यों का को टारगेट किया जा रहा है। ओलंपिक विजेता साक्षी मलिक का आरोप कि हमें किया जाता है परेशान, खिलाड़ियों के लिए नहीं संघ खिलाड़ियों के लिए नहीं बनाता है। आरोपों पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की सफाई, कहा सभी आरोप बेबुनियाद, जांच के लिए तैयार, अगर साबित हुए आरोप तो चढ़ जाऊंगा फांसी। कुश्ती खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सवाल को लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधी चुप्पी, नहीं दिया कोई भी जवाब। पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 16 फरवरी को त्रिपुरा में मतदान। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होगी वोटिंग, 2 मार्च को तीनों ही राज्यों के आएंगे नतीजे। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड तीन राज्यों में एक ही चरण में होगा मतदान, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। निर्वाचन आयोग ने रविवार को ही पूरा किया था इन तीन राज्यों का दौरा, 4 दिन तक चला सर्वेक्षण। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द हो सकता है ऐलान, इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव। तेलंगाना के खम्मम में विपक्षी दलों ने दिखाई अपनी ताकत, सीएम केसीआर के मंच पर जुटे गैर बीजेपी के नेता, थर्ड फ्रंट बनाने की मुहिम। खम्मम में केसीआर की रैली में पहुंचे केजरीवाल, अखिलेश यादव बोले बीजेपी सरकार के बचे सिर्फ 400 दिन, केरल के सीएम पिनराई विजयन भी मौजूद। केसीआर के बुलावे पर लेफ्ट के कुछ दूसरे नेता भी मौजूद, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर न्योता नहीं पाने वाले ज्यादातर दल भी पहुंचे। पंजाब में कांग्रेस को फिर से लगा बड़ा झटका, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनप्रीत बादल बीजेपी में शामिल। कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल मनप्रीत बादल पंजाब में 5 बार विधायक और 2 बार रह चुके हैं वित्त मंत्री। रामचरितमानस विवाद पर आज तक से सीएम नीतीश कुमार की एक्सक्लूसिव बातचीत, मंत्री चंद्रशेखर के बयान को गलत कहा। बक्सर में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने पहले ही शिक्षा मंत्री को समझा दिया था, बोले इन चीजों पर हमें नहीं विवाद करना चाहिए। समाधान यात्रा के दौरान नारा के बाद बक्सर पहुंचे नीतीश कुमार, ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली में अमित शाह और उत्तराखंड के सीएम धामी की मुलाकात, गृह मंत्रालय में हुई दोनों की बातचीत। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना के बाद राहत कामों की सीएम धामी ने गृहमंत्री को दी जानकारी। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जमकर हुआ हंगामा, आप और बीजेपी विधायकों में जुबानी जंग। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक मोहिंदर गोयल ने दिखाई रिश्वत की रकम, कर्मचारियों के टेंडर में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। बीजेपी विधायकों ने यमुना प्रदूषण को लेकर केजरीवाल को घेरा, पोस्टर्स के साथ माफी मांगो केजरीवाल के नारे पर। बंगाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा 10वीं के प्रश्न पत्र में आजाद कश्मीर का सवाल देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। मोहाली में श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की गाड़ी पर हमला, बंदी सिखों की रिहाई के लिए धरने में शामिल होने आए। पटना के सिविल कोर्ट में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ याचिका दायर, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने दर्ज करवाई याचिका। विमान में बोर्डिंग के दौरान इमरजेंसी गेट खुलने की घटना पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, तेजस्वी सूर्या ने पहले ही मांग ली थी माफी। इंडिगो विमान में तेजस्वी सूर्या ने खोल दिया था इमरजेंसी गेट, कांग्रेस की सुप्रिया सुनेत ने लगाया था लोगों को असुविधा और उनकी जान जोखिम में डालने का आरोप। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन पर भड़के बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, कहा ममता बनर्जी के पीएम बनने की उनकी भविष्यवाणी होगी गलत। अमर्त्य सेन को शुभेंदु अधिकारी ने बताया पूर्वाग्रह से ग्रसित, कहा अफगानिस्तान और तालिबान को दे सलाह। नोएडा में 21 जनवरी को G20 सम्मेलन को लेकर पहला बड़ा आयोजन होगा। रन फॉर G20 का आयोजन नोएडा स्टेडियम में किया जाएगा, सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में दौड़ेगा नोएडा। रन फॉर G20 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी।
लिखा। कार्यक्रम की रूपरेखा विदेश मंत्रालय के साथ बात करके तैयार की जाएगी। 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा, जिसको भव्य तरीके से मनाने का आदेश सीएम योगी ने दिया। दिल्ली में बीजेपी नेता जफर इस्लाम समेत जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी गृह मंत्रालय पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा का 125वां दिन जम्मू कश्मीर पहुंची यात्रा। हिमाचल में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए सुखविंदर सिंह सुखू, साथ में मौजूद कांग्रेस के 40 सभी विधायक। यात्रा के दौरान काठगढ़ मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा की, आज जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा। प्रयागराज में धर्म सेंसर बोर्ड का हुआ गठन, हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले कंटेंट और दृश्यों को रोकने के लिए बनाया गया बोर्ड। राजस्थान के झुंझुनू में सचिन पायलट का नाम लिए बगैर मुख्यमंत्री गहलोत के बयान पर पलटवार, रिटायर होने वाले अधिकारियों को मिल रही है राजनीतिक नियुक्तियों पर सवाल खड़े किए। बिहार के मधेपुरा में मांगों को लेकर सभी सेविका सेविकाओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया, सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। वाराणसी में निर्माणाधीन मकान का छत गिरने की वजह से दो मजदूरों की मौत, सीएम योगी ने दोनों मजदूरों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारत की 126वें समारोह का आयोजन एट 75 आजाद हिंद महोत्सव में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संबोधित किया। शिमला के अस्पतालों में कोविड-19 टीके की एहतियाती खुराक की शुरुआत की जाएगी। हिमाचल के पर्यटन कारोबार पर मंडरा रहा है संकट, जल्द ही सीएम से मिलकर रोडमैप सौंपेंगे कारोबार। समस्तीपुर में प्रिंस राज ने बिहार के शिक्षा मंत्री को दी नसीहत, कहा धार्मिक ग्रंथ को पहले पढ़ें और उसका अध्ययन करें फिर बयान दें। प्रिंस राज ने पेपर लीक पर बोला बीपीएसी का पेपर लीक हो जाता है, उस पर शिक्षा मंत्री का ध्यान नहीं है, विवादित बयान देने में लगे रहते हैं। लगता ही नहीं प्रिंस राज ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट है, 3 साल की डिग्री 6 सालों में मिल रही है। समस्तीपुर में बीजेपी विधायक ने बिहार के शिक्षा मंत्री पर टिप्पणी की, कहा वो मूर्ख है और वो चरवाहा विद्यालय से पढ़े हुए हैं, 3 उपचुनाव में हार के बाद पगला गए हैं और इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने अश्वमेधम अभियान शुरुआत किया, कुष्ठ रोग को जड़ से उखाड़ने के लिए कोशिश है। बुलेट की रफ्तार पर दौड़े देश की पहली रैपिड रेल ट्रायल में बना 160 किलोमीटर का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के सतना में अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस पार्टी जो पहुंची थी नगर पंचायत अध्यक्ष के मारपीट करने का एक मामला सामने आया, कांग्रेस ने उठाए सरकार की नियत पर सवाल। बक्सा में समाधान यात्रा में सीएम के काफिले को पास कराने के लिए 15 मिनट तक रोक दी गई 2 ट्रेन, केंद्रीय मंत्री ने कहा इसकी होनी चाहिए उच्च स्तरीय जांच। ग्वालियर में कांग्रेस के दलित नेता फूल सिंह बरैया का बीजेपी को लेकर बयान, कहा 2023 में 50 से ज्यादा सीट नहीं ला सकती है, अगर वो ले आएगी तो मैं अपना मुंह काला कर लूंगा। असम के सिलसर में बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन जारी, जिहादियों के खिलाफ दिखाया आक्रोश। समस्तीपुर में सांसद प्रिंस राज ने अस्पताल का लिया जायजा, खराब व्यवस्था देखकर अस्पताल प्रशासन को लगाई फटकार। जम्मू में हिंदुओं की हत्या के विरोध में उतरे वीएचपी, आतंकवाद का पुतला फूंककर डीएम के जरिए राष्ट्रपति को सौंपा गया। मिर्जापुर में इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन, 61 समझौतों पर हस्ताक्षर, करीब 5500 करोड़ का निवेश होगा। अंबाला में सरपंचों ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार की ई टेंडरिंग पॉलिसी के खिलाफ जताया विरोध। सीकर में राज्य मंत्रालय कर्मचारियों का प्रदर्शन, कर्मचारियों की कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। बिजनौर में पंचायत निधि के 30% काटने पर प्रधानों का प्रदर्शन, डीएम ऑफिस पर अधिकारियों के साथ प्रधान उलझे भी। वाराणसी में अधिकारियों के खिलाफ बीएससी ऑफिस का पर शिक्षकों का प्रदर्शन, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जासूसी मामले में वित्त मंत्रालय के कर्मचारी गिरफ्तार, डेटा एंट्री ऑपरेटर सुमित पर रुपयों के बदले संवेदनशील जानकारी दूसरे देशों को देने का आरोप। सहरसा में वेतन की मांग को लेकर आंगनबाड़ी स्टाफ का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के चलते नीचे लौटे मजदूर,
धाम में चल रहे कार्यों पर पड़ा बर्फबारी का असर। मंडी में लगातार बर्फबारी के चलते गिरा शख्स, मौके पर मौत। लद्दाख में हड़कंप देने वाली ठंड, द्रास में न्यूनतम तापमान -29.2 डिग्री दर्ज। करगिल में तापमान -21.5 डिग्री तक गिरा। सुरू नदी के जमने से रिहायशी इलाकों में पानी की किल्लत। कानपुर में जारी है शीतलहर का कहर, गाड़ी चलाने वालों को दिक्कतें हो रही हैं। धौलपुर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आरोपियों ने घटना का वीडियो वायरल करने की धमकी दी। मधुबनी में बेखौफ बदमाशों ने बाइक सवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, युवक की मौके पर मौत। बांदा में छात्रा का फंदे से लटका मिला शव, परिजन बोले पेपर बिगड़ने के चलते छात्रा ने खुदकुशी की। रामगढ़ में बीच सड़क पर कोयला लोडिंग डंपर में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। इंदौर में पारिवारिक विवाद में पति ने मारी पत्नी को गोली, आरोपी पति गिरफ्तार। कानपुर में सिपाही ने किया छात्रा के साथ दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया। उधम सिंह नगर में पुलिस ने तैनात सिपाही ने युवक को अपहरित किया और मामले में फिरौती भी मांगी गई, 5 लोग गिरफ्तार। झारखंड के पाकुड़ में असम उग्रवादी संगठन का सदस्य सक्रिय, घटनाओं को दे रहे हैं अंजाम, बम ब्लास्ट के मामले में भी खुलासा हुआ। दुर्ग में हुआ हेलमेट पहनना 100% मैंडेटरी, बिना हेलमेट के वाहन चलाते समय एक्सीडेंट में मौत, तो जवाबदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। कानपुर में 3 दिन से लापता युवक की हत्या, झाड़ियों में मिली उसकी लाश। बरेली में पेंट फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान, 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हाजीपुर में लुटेरों की गैंग से 2 महिला सिपाही भिड़ी, बाइक छोड़कर उल्टे पैर भागने को मजबूर हुए अपराधी। सिरसा में डबल मर्डर का मामला आया सामने, फायरिंग करने का सीसीटीवी फुटेज वायरल। नालंदा में 2 बच्चों का अपहरण करके हत्या कर दी गई, शवों को नदी में से बरामद किया गया। बेगूसराय में लापता 5 साल के बच्चे का गला रेत कर हत्या कर दी गई पड़ोसी ने, पड़ोसी की छत से बरामद हुआ बच्चे का शव। समस्तीपुर में पुलिस ने हथियार का जखीरा बरामद किया, 1 महिला भी गिरफ्तार हुई। उधम सिंह नगर में 6 गैंगस्टर्स की 6 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। मध्यप्रदेश के सीहोर में आईफोन खरीदने के लिए चोरी, क्राइम सीरियल देखकर वारदात को दिया अंजाम। ग्वालियर में 2 युवकों की बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल, 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। समस्तीपुर में शराब तस्करों ने मोबिल के बाल्टी में शराब की तस्करी की, मोबिल के बाल्टी में पुलिस ने सैकड़ों बोतल शराब जब्त की।